देखो और सीखो के वीडियो को लाइक करके चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर कुछ नया लेके आ गए हैं हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आज हम नया पढ़ेंगे जीके, क्योंकि जीके पढ़े हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, तो मैं जीके में कुछ बताने वाली हूँ आपको। पता है क्या, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको वाटर एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वाटर एनिमल यानी कि जल में रहने वाले जीव के बारे में, यानी कि वाटर एनिमल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम वाटर एनिमल के बारे में पढ़ते हैं और लिखते भी हैं, साथ में सीखते भी हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बारी बारी से आपको बताती जाऊंगी और पिक्चर दिखाऊंगी और साथ में आपको बोलना भी है और सीखना भी है। तो मैं तो नहीं देख रही हूँ कि आप बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप अपने घर में जरूर बोलिएगा और सीखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से ना, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा सबको पढ़ने आएगा। और मैं जैसे हर बार बताती हूँ, जो लोग हमारे वीडियो से पहली बार जुड़े हैं उनको तो मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियो से आप बार बार परिचित होते रहें कोई भी वीडियो आए तो। ठीक है, और यदि आप पुराने हैं, बच्चे हैं तो या पेरेंट्स हैं, तो आपको तो पता ही होगा हाँ कि मैं बारी बारी से क्या पढ़ाते हैं। छोटे बच्चों के लिए जो है सारी चीज़ पढ़ाई में होती है, जो प्ले ग्रुप से लेकर छोटे बच्चों के केजी के बच्चों को मैं सारी ज्ञान की चीज़ें आसान तरीके से पढ़ाती और लिखाती हूँ। ठीक है, तो बिना देर किए हुए मैं यही कह रही थी कि चलिए हम लोग पढ़ते हैं वाटर एनिमल। तो देखिए, नंबर वन है एफ फॉर फिश, है ना, एफ फॉर कहूँ या फिश कहूँ, हाँ फिश की स्पेलिंग मैं बताती हूँ। नंबर वन है फिश, एफ आई एस एच फिश, फिश मीन्स मछली। ठीक है, ये मछली आप लोगों देखे हैं ना, जल में रहती है, पानी में रहती है, क्योंकि पानी में से बाहर जो ही निकालेंगे तो मर जाएगी। गाना आपने सुना होगा ना, मछली जल की रानी है, हाँ तो ये मछली जल की रानी है, यानी कि जल में रहने से ही जिंदा रहती है। ठीक है बच्चों, चलिए और अगला है, देखिए अगला है फ्रॉग। फ्रॉग की स्पेलिंग एफ आर ओ जी फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक। ठीक है, तो मेढक भी पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, लेकिन इसको वाटर एनिमल ही कहा जाता है। ये अर्थ का, यदि हम बाहर कभी कहेंगे, पृथ्वी का कभी, तभी भी ये एनिमल आ जाएगा। और पानी में रहने वाले भी जीव हमारा जो है फ्रॉग होता है, फ्रॉग मीन्स मेढक। ठीक है, और नंबर थ्री है स्नैक। तो स्नैक की स्पेलिंग एस एन ए के, स्नैक, स्नैक मीन्स सांप। देख रहे हैं आप लोग, सांप कितना भयानक है, जहरीला भी होता है सांप, इसलिए सांप से बहुत दूर रहना चाहिए। वैसे साफ सुथरी जगहों में सांप नहीं आते हैं भरसक, इसलिए घर की सफाई रखनी चाहिए, हमेशा अच्छी जगहों में रहना चाहिए, कभी झाड़ियों में या बहुत गलत जगह में जहाँ बहुत पानी हो, गंदा हो, वैसी जगहों में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे सांप बिच्छू आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाटर एनिमल भी है सांप, ये भी बाहर भी रहता है ना, पृथ्वी पर भी चलता है, हमारे घरों में भी आ जाता है छुप के बरसात के दिनों में, लेकिन अक्सर इसको कहा जाता है कि वाटर एनिमल है। ठीक है, तो ये हो गया स्नैक। और अगला है नंबर फोर, क्या है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, लेकिन आप लोग याद करके जरूर याद हो जाएगा। देखिए मैं बता रही हूँ, सी आर ओ सी ओ डी आई एल डी, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, इसको शॉर्ट में कहते हैं मगर। ठीक है बच्चों, तो इसको मगर भी बोला जाता है, मगर मीन्स मगरमच्छ। ये भी क्या होता है ना, कि यदि नदियों में आप जाएंगे, बहुत बड़ी नदियों में, या कभी यदि समुद्र में नहाने का मौका मिले, तो समुद्र में या झील वील में यदि जाएंगे ना आप, तो कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए या खतरे वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि नंबर फोर का क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। अब हम लास्ट पढ़ते हैं वेल, नंबर फाइव है वेल, डब्ल्यू एच ए एल ई, वेल, वेल मीन्स वेल। ये भी मछली की तरह होता है, लेकिन ये भी बहुत ही खतरनाक मछली होती है, इसको वेल ही कहते हैं। ठीक है, मछली नहीं कहते हैं, वेल, देखने में भले मछली की तरह होती है, लेकिन नाम इसका वेल है। ठीक है, ये भी खतरनाक मछली होती है बच्चों। ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप देख सकते हैं, खुद कमी दिखाई देती है, ये तो समुद्र में अक्सर दिखती है ये। ठीक है, तो ये भी वाटर एनिमल है। चलिए, तो ये हो गया फाइव वाटर एनिमल। मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ फिर से, नंबर वन फिश, फिश मीन्स मछली, नंबर टू फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक, नंबर थ्री स्नैक, स्नैक मीन्स सांप, नंबर फोर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, और नंबर फाइव है वेल, वेल मीन्स वेल।
ठीक है बच्चों, तो इसको बार बार पढ़िए, जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना अच्छा से पढ़ने आ जाएगा और जितना लर्न कर लेंगे उतना आपको लर्निंग की हैबिट बनी रहेगी और आप क्लास में सबसे नंबर वन आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन सब बातों से वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल से जो पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो से आप अवगत होते रहें, और पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें प्लीज़, टेक केयर, गुड बाय, बाय।